कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। वर्मा ने भारत लौटने से ठीक पहले रविवार को कनाडाई न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS खालिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। हाई कमिश्नर वर्मा ने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारतीय नहीं बल्कि कनाडा के नागरिक हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनाडा सरकार ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करे। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। हाई कमिश्नर ने यह भी कहा कि अगर कनेडियाई नेताओं को लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे खेद है कि वे इतने नौसिखिए हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। Security and safety is our concern. So there are so many things. Khalistani extremists are being encouraged all the time. I also know, again, this is my allegation. I'm not giving you any evidence on that. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. It is what is understood by the Canadian politicians, that someone stands on the floor of the parliament, says something which he later says, I didn't have any hard evidence. And that was taken as biblical truth.